आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगता ये शख्स कोई साधारण कार्यकर्ता, नेता या कोई मंत्री नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां बड़े बड़े नेता भी पद मिलने के बाद अहंकार से भर जाते हैं, तो वहीं ये शख्स दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद लोभ मोह और अहंकार से कोसों दूर है। ये पीएम की वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसे अपनी सत्ता और ताकत पर रत्ती भर भी घमंड नहीं है, जो पद को जनता की सेवा का माध्यम मानता है, जो श्रम और श्रमिक दोनों का सम्मान करना जानता है, जिसने खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक माना है और जो जनता की सेवा में जी जान से जुड़ा है, उसे जनता अपना प्यार दुलार स्नेह और आशीर्वाद भला क्यों नहीं देगी। माउंट आबू की जनता ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, मोदी चाहते तो देर होने की वजह से वहां ना भी पहुंचते, रैली कैंसिल करने का ऐलान कर देते, तब भी कुछ ना होता। लेकिन वो जनता के बीच गए, उन्होंने लेट कर जनता को 3 बार दंडवत किया, माफी मांगी। उन्होंने ये मिसाल भी पेश की कि वो प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, देश के नियम कानून उन पर भी लागू होते हैं, इसलिए 10 बजे के बाद रैली नहीं की। मुझे पहुंचने में देर हो गई, 10 बज गए हैं, मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा। मोदी सिर्फ अपने मन की ही बात नहीं कहते, वो सबकी बात सुनते भी हैं। जनता हो, खेत खलिहान में काम करने वाला किसान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई फिल्म स्टार भी क्यों ना हो, मोदी सबका ख्याल रखते हैं, सबकी बात को वो तरजीह देते हैं। यही वजह है कि मोदी दुनिया में सबसे अलग हैं। मोदी जैसा कोई नहीं।